नमस्कार साथियों, आज अपनी बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड रेगुलर 2022 के एक पेपर की। सेकंड पेपर है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो इसमें ये 2022 का हाल ही का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है, नए पैटर्न का पेपर है। आप देख सकते हैं सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, खंड ए के अंदर 10 क्वेश्चन हैं और कोरोना काल के अंदर ये पेपर था। और अब आपको ये फुल सभी 10 के 10 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। खंड ए, बनास की सहायक नदियाँ। दूसरा क्वेश्चन, मत्स्य संघ, राजस्थान में प्रमुख गोवंश नस्लें। फिर है गंग नहर परियोजना, राजस्थान में सौर पार्क, राजस्थान में पत्थर उद्योग। और फिर है 2011 की जनगणना, राजस्थान में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। फिर रेड कोर, भौगोलिक प्रदेश की परिभाषा और 56 का मैदान। ये 16 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, लगभग 3 से 4 लाइनों के बीच में आपने इसका आंसर देना होता है। खंड बै के अंदर देखें तो हाड़ौती पठार प्रदेश के भौतिक प्रदेशों यानी भौतिक जो लक्षण हैं हाड़ौती पठार के, उन पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ये क्वेश्चन आपको लगभग 1.5 से 2 पेज के बीच में करना होता है। और इसमें देखो हाड़ौती और नीचे यहाँ पर मानचित्रों की सहायता से मृदा के प्रकार अथवा में दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन में से दोनों में से एक करना है। यहाँ 3 में राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक फसलों के बारे में, उत्पादन के बारे में पूछा गया है। और इसी के अथवा के अंदर आर्थिक विकास राजस्थान का जो सिंचाई का है उसका भी पूछा गया है। 4th नंबर क्वेश्चन में धात्विक खनिजों के बारे में और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के बारे में अथवा में पूछा गया है। 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर देखें तो राजस्थान में व्यापार के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और ग्रासीय जनजाति के अथवा में दिया गया है। 6th नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के बारे में और थार का मरुस्थल इसके अथवा में दिया गया है। तो इन्हीं जो बी सेक्शन में 5 और 5 अथवा के अंदर जो यानी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 5 क्वेश्चनों को हल करना है और 1.5 से 2 पेज के बीच में आपको इसको आंसर देना होगा। अब देखिए खंड सह के अंदर इसका आंसर लगभग 4.5 पेज के बीच में आपका होना चाहिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इनमें से 3 क्वेश्चन ही हल करने हैं। देखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और जो जलवायु प्रदेश है उनके बारे में पूछा गया है। व्यर्थ भूमि और मरुस्थलीय भूमि विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के औद्योगिक विकास में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनके बारे में और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, स्थानीय क्रम के बारे में पूछा गया है। फिर जनसंख्या वृद्धि वितरण के बारे में और जनसंख्या वितरण के घनत्व और घनत्व के उच्चावच, मतलब वितरण और घनत्व का उच्चावच एवं भू आकारों से प्रभावित होना जो है वो भी पूछा गया है। फिर राजस्थान में भौतिक भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए अरावली के जो भौतिक लक्षण हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पेपर है। और अब अपने बात करते हैं, इससे पहले 2020 के अंदर बीए सेकंड ईयर के अंदर एनसी का पेपर एक बार आप इस पर नज़र डाल लीजिएगा। तो ये सेकंड पेपर है ज्योग्राफी राजस्थान। तो इसमें भी यही पैटर्न था ABC वाला। खंड ए के अंदर यही 10 क्वेश्चनों को हल करना था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में खंड बै के अंदर देख लीजिए, यहाँ आपको 5 क्वेश्चन हल करने होते हैं। ये खंड सह है, 3 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं इसमें। ये 2018 का है, पुराने पैटर्न पर आधारित है। और आप देख सकते हैं पुराने पैटर्न में जो 5 बड़े क्वेश्चन और उन्हीं के साथ वाला जो 16 क्वेश्चन है वो करना होता था। एक बार इस पर भी आप नज़र डाल लीजिए कि इनके आधार पर भी जो है नए प्रश्नों को चयनित किया जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए।
तो ये था आगामी परीक्षाओं को की तैयारी के लिए, जो है आप इन प्रश्न पेपरों का सहारा भी ले सकते हैं।